चपसी नौरतिया के ही घरवा कोयल यस बोले कोयल यस बोलई हो। राजा सोनवा के सिकड़िया ताया साड़ी होत नइखे हमरा से संहार सैया ले ले अइहा करजऊ ले ले अइहा। हम सोच रहे हैं कि हम दोनों गाया करें। अच्छा। साथ में मतलब कुछ अलग जनता को कुछ अलग दिखाए कि एक पति पत्नी भी गाते हैं। अरे प्रेमी चिरैया तू राजा जी से कह दे तू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो में। और कैमरे की फ्रेम में जिन शख्स और जिन शख्सियत को आप लोग देख रहे होंगे शायद इन्हें आप लोग जानते होंगे और पहचानते होंगे। तो जितने भी लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आखिरकार ये कौन है और ये कौन है। शायद मैं आप लोग को बता दूं कि आप इनको पहचानते होंगे और इनको नहीं पहचानते होंगे। आपको हम बताना चाहते हैं ये मेरी मामी जी हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है निर्जला प्रजापति ऑफिशियल। आप लोग जाइएगा इनके चैनल पर विजिट करिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और मैंने बहुत सारे इनके इंटरव्यू इससे पहले ले चुका हूँ, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। और ये हमारे बीच में मौजूद हमारे मामा जी जो कि हमारी मामी जी के हस्बैंड है। और आज पहली बार आप लोग कैमरे के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे पति और पत्नी का मुकाबला, यानी कि हमारे मामा और हमारी मामी जी का मुकाबला। देखते हैं क्या कुछ आज इस मुकाबले में रहेगा और किस तरीके से इन दोनों लोगों का प्रदर्शन रहेगा। सो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है मामा जी आपका इस चैनल पर। आपके चैनल पर नमस्कार, पहले बोलना चाहता हूँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, पूरा नाम बताइए। मुकेश कुमार प्रजापति जी, आज आपका पहली बार इंटरव्यू होने जा रहा है जौनपुर खबर पर। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें जी। बहुत बहुत स्वागत है मामी जी। हर तरफ से जितने दर्शक देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार है जी। एक बार आप अपने चैनल का नाम बताएं और अपना भी नाम बताएं। हमारा नाम है निर्जला प्रजापति, हमारे चैनल का नाम है निर्जला प्रजापति ऑफिशियल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मुकाबला और देखते हैं आखिरकार किसमें कितना दम है। मामा जी सर्वप्रथम क्या कुछ आप गाएंगे? हम पहले सोहर गीत गाना चाहते हैं। सोहर गीत दो लाइन का। दो लाइन का। अच्छा, जैसे महिलाएं गाती हैं उस टाइप का गाएंगे फिर अलग रहेगा? महिलाएं से थोड़ा अलग रहेगा, हटके रहे, हटके रहेगा। हाँ चलिए फिर तो सुनते हैं, बिल्कुल हो जाए। चपसी नौरतिया के ही घरवा कोयल यस बोले कोयल यस बोलई हो। क्या बात है। सासू के कैसे जगाई शरम मोहे आवई, शरम मोहे आवई हो। रामा अरे रामा देव रुक हो, रामा देव रुक कैसे जगाई शरम मोहे आवई हो। आधी रात उठेला दर दिया न नदिया, नाहीं जागई न नदिया, नाहीं जागई हो। रामा बलम बसले बी दिसवा संदेशवा, नाहीं जावे संदेशवा, नाहीं जावई हो। बहुत सुंदर आपने सोहर गीत सुनाया है। मुझे लगता है कि शायद अभी तक हमने जितना भी इंटरव्यू लिया है कोई ऐसा मुकाबला भी हमने आज तक नहीं देखा है, और ना ही किसी मर्द को इस तरीके से गीत गाते हुए देखा है, ना ही किसी औरत को इस तरीके का गीत गाते हुए देखा है। अगर आप लोग देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए मामी जी से पूछते हैं अब आपका क्या जवाब होगा इनके प्रति। इन्होंने सोहर के माध्यम से बहुत बढ़िया जवाब दिया है। सोहर के माध्यम से। हाँ। अरे अरे प्रेमी चिरैया तू राजा जी से कह दे तू, राजा जी से कह दे तू हो। राजा आई गई न गरमी के दिनवा घरे
के चली आवा घर के चली आवा हो। अरे अरे प्रेमी ची रैया तू रानी जी से कह दे तू रानी जी से कह दे तू हो राजा भेजी दिया न हो राजा भेजी दिया न पंखीना गीना घर के नाही आम घर के नाही आम हो। बहुत सुंदर देख रहे हैं आपका जवाब तो उन्होंने दे दिया। अच्छा मामा जी अभी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हालांकि ये मेरी मामी जी हैं और आपकी धर्म पत्नी जी हैं। आज के टाइम में कोई नहीं चाहता है कि हमारी घर की महिलाएं सोशल मीडिया पे आएं और नाच गीत गाएं। आपने इनको इजाज़त कैसे दे दिया? हमने सोचा कि कुछ अलग तरीके से करा जाए कुछ। अच्छा। और हम सोच रहे हैं कि हम दोनों गाया करें। अच्छा। साथ में मतलब कुछ अलग जनता को कुछ अलग दिखाए कि एक पति पत्नी भी गाते हैं। हाँ। और वो भी विवाह गीत सोहर गीत नाच गीत सब कुछ। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, पहले तो आपने मामी जी को परमिशन दिया कि ठीक है आप गाइए कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ आप भी कदम से कदम मिलाने लगते हैं। जब आप कहीं बाजार हटिया में जाते होंगे या गांव में जाते होंगे तो लोग सवाल भी उठाते होंगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। हाँ ऐसा सवाल सब उठा, हमारे घर में भी उठाते हैं कि ये सब गंदा काम है। अच्छा। इससे करने से कुछ नहीं होगा, मैं भी शर्म के मारे किसी से नहीं बताता, ये मेरा चैनल है भी। अच्छा। क्योंकि कुछ ना मिल रहा है ना कुछ जुल रहा है। अच्छा। इस मारा किसी से बताता नहीं हूँ, मोबाइल मिल गया तो देख लेता हूँ, लाइक कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ। अच्छा। वरना बताता नहीं हूँ। अच्छा आप लोग का चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, हालांकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका पेमेंट बहुत जल्द आ जाएगा, तकरीबन मेरे उम्मीद से 3 या 2 महीने के अंदर आ जाएगा। तो जब पहला पेमेंट आएगा तो आप लोग का क्या प्लान है, क्या करेंगे? पहला पेमेंट आएगा तो हम सोच रहे हैं जो भी हो माता रानी पहले एक आधी किलो लड्डू चढ़ा के पहले उनको चरण स्पर्श करेंगे। अच्छा पूरे हाँ। पैसे से या थोड़ा पूरा थोड़ा बहुत? पूरे पैसे तो मेरे पैसे खुद लग गए हैं इसमें, बहुत पहले उनको निकालना है। अच्छा। इसीलिए तो दम लगा के गा रहे हैं। अच्छा अच्छा चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब मामा जी एक और गीत हो जाना चाहिए देसी अंदाज में। एक मूवी में तुम्हें गंगा रानी की गीत सुनाता हूँ। गंगा रानी की गीत गंगा ये दो एक लाइन की। हाँ बिल्कुल हो जाए। अरे तोह के चढ़ई बे मैया नरियल चुनारिया हो की गंगा जी। क्या बात है। हो की गंगा जी। अरे बोझल नैया कैदा मोर किनारवा हो की गंगा जी। जरूर करी हैं। फिल्मी दुनिया गाना सुनना है तो बताइए। बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आपका जवाब ले लेते हैं इनसे। सबसे पहले कुछ बात आपसे भी करना चाहेंगे, हालांकि ये पति जी हैं, बहुत कम ऐसी महिलाओं को ऐसी पत्नियों को नसीब होता है कि उनके परिवार वाले उनके साथ हैं और उनके परिवार से पूरा छूट होता है कि आप सोशल मीडिया पे बेझिझक आप गाना गा सकती हैं। ऐसे में इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको ऐसा ही पति मिलना चाहिए कि जो सपोर्ट करें जी, बेझिझक गाने गाने के लिए कहें। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात। अब इनका जवाब कैसे देंगे? एक ही लाइन में होना चाहिए। एक ही लाइन में? हाँ। बिनती करो हम तो हारे गंगा मैया, बिनती करो हम तो हारे गंगा मैया, जो मनसा रखती हमारे गंगा मैया, पहला मंगन हम पुतवा मंगली, पहला मंगन हम पुतवा मंगली, घोड़वा चढ़ने के पातो ये गंगा मैया, घोड़वा चढ़ने के पातो ये गंगा मैया, जो मनसा रखती हमारे ये गंगा मैया, बिनती करूँ हम तो हारे गंगा मैया। जय हो। बहुत सुंदर सुंदर गीत आप लोगों ने सुनाया, नवरात्रि का गीत आप लोगों ने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अब आपने अभी कहा कि हम हिंदी गीत भी सुना देंगे, भोजपुरी गीत भी। भोजपुरी सुनाते हैं ये, हाँ। कुछ अलग क्यों हो जाए, थोड़ा पुराने जमाने में जब तक यूपी वाले भोजपुरी गीत ना सुने तब तक उन्हें मजा नहीं आता। हाँ बिल्कुल, तो सुन लीजिए दो लाइन के गीत, हाँ, ज्यादा नहीं क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, मैं आज गांव निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा बिल्कुल, हाँ, हो जाए। तो सुनिए किन्ने गाया है किन्ने नहीं, लेकिन हमें बहुत फेवरेट गाना हमारा है। आपका बहुत मन पसंदीदा है, पसंदीदा गाना है। तो साया साड़ी होत नहीं खे हमरा से समार, सैया ले ले अइहा करजऊ ले ले अइहा, जा तारा जौनपुर बाजार, सैया ले ले अइहा जौनपुर से सूट सलवार, सैया ले ले अइहा किन के ओठ लाली लेके अइहा, हाजीपुर से गोरखपुर से बलिया लइहा, आजमगढ़ से तूड़ के, अरे छपरा सहरिया से बिछिया फैशनदार, सैया ले ले अइहा करजऊ ले ले अइहा, जा तारा पटना बाजार, सैया ले ले अइहा पटना से सूट सलवार, सैया ले ले अइहा। बहुत सुंदर ये गीत है पवन सिंह का। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से सुनने को मिला। मामी जी ने उन्होंने भोजपुरी में सुना है, लेकिन आप वही पारंपरिक गीत में सुनाइएगा कि सैया आप मेरे लिए क्या लाइएगा, क्या मंगाएंगी आप, वो भी राजधानी से। हाँ बिल्कुल, एक लाइन से जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं तो महिलाओं का हार हो जाएगा ये समझिए। अच्छा, हाँ महिलाओं की नाक आप पे ही टिकी है अब। बिल्कुल हो जाए। ए राजा सोनवा के सिकड़िया, दिल्ली शहर से लैया। सही जा रही हैं आप, राजधानी से कह रही हैं लाने के लिए। एक लाइन और पूरा करिएगा। अच्छा मामा जी थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा इनका। हे सैया सोनवा के सिकड़िया, दिल्ली शहर से लैदाना, दिल्ली शहर से लैदाना हो, दिल्ली शहर से लैदाना, तो से काहे तोहर मेहरिया, बतिया जीन भुलैया हो। बड़ा ही सुंदर गीत लगा, और इस जोड़ी के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। अच्छा मामी जी, जो महिला आना चाहती हैं सोशल मीडिया पे काम करना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं जो महिला आना चाहती हैं वो आएँ सोशल मीडिया पे, लेकिन खुल के आएँ, खुल के गाएँ, खुलासा आइए, किसी का डर झिझक से नहीं। जी, एक बार अपने चैनल का नाम बता दीजिए। हमारे चैनल का नाम है निर्जला प्रजापति ऑफिशियल। तो दोस्तों आप लोग जाइएगा इनके चैनल पे, विजिट करिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आना चाहते हैं? जो लोग आना चाहते हैं वो आए, लेकिन मतलब एक खौफ से ना आए, डर डर के ना, मतलब खुल के गाएं, खुल के। हाँ मतलब ना ठुमका जो भी लगा सके, मगर ये इरादे से आए कि हमें वो पैसा कमाना है यूट्यूब से, चाहे जैसे भी। अच्छा। और गंदा ना बनाए बस। चलिए फिर तो बहुत अच्छी सोच है। आपका भी चैनल है? हमारा भी चैनल है, लेकिन अभी जनता के बीच में नहीं लाना चाहते, लेकिन मेरा चैनल है मुकेश दिल्ली वाला। हाँ मुकेश दिल्ली वाला है, तो इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है क्योंकि मैं उस पर काम नहीं करता हूँ। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, अब दोनों लोग गाने में लग जाएंगे तो घर की गृहस्थी कैसे चलेगा। अच्छा, ये बात। हाँ चलिए फिर ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग जाइएगा इन लोगों के चैनल पर, विजिट करिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए दोस्तों आज किस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर।